निम्न तलपट योग और शेष प्रणाली से तैयार की गई, लेकिन कुछ रकमें इस तलपट से छूटी हुई हैं। आप इन छूटी हुई रकम को लिखिए। यहाँ प्रश्न में एक तलपट दिया गया है जिसमें खातों के नाम दिए गए हैं और दो अलग अलग पक्ष दिए गए हैं, योग विधि से डेबिट और क्रेडिट और दूसरा शेष विधि से डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल योग विधि से क्रेडिट साइड में 20,000, शेष विधि से क्रेडिट साइड में 20,000। कैश योग विधि से डेबिट साइड में 42,750, योग विधि से क्रेडिट साइड में 20,210, शेष विधि से डेबिट साइड में क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां पर हमको भरना है स्थान को। कैश एट बैंक योग विधि से डेबिट साइड में 19,000, क्रेडिट साइड में हमको रकम लिखनी है, शेष विधि से क्रेडिट साइड में 2,500। परचेस योग विधि से डेबिट साइड में हमको फिलअप करना है और क्रेडिट साइड में 1,700 दिया गया है, जबकि शेष विधि से डेबिट साइड में 19,300 दिया गया है। सेल्स योग विधि से डेबिट साइड में 349, क्रेडिट साइड में 35,549, शेष विधि से हमको क्रेडिट साइड में फिलअप करना है। ओपनिंग स्टॉक योग विधि से डेबिट साइड में हमको फिलअप करना है और शेष विधि से डेबिट साइड में 3,920 दिया गया है। डेटर्स योग विधि से डेबिट साइड में 40,000 और क्रेडिट साइड में 15,000 दिया गया है, जबकि शेष विधि में हमको डेबिट साइड में इसको फिलअप करना है। क्रेडिटर योग विधि से डेबिट साइड में 1500 और क्रेडिट साइड में 19,000 दिया गया है, जबकि शेष विधि में क्रेडिट साइड में हमको इसको फिलअप करना है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। डिस्काउंट योग विधि से डेबिट साइड में 703 रुपीज और क्रेडिट साइड में 205 दिया गया है और शेष विधि में हमको इसको डेबिट साइड में फिलअप करना है। सैलरी योग विधि से डेबिट साइड में 4,003 रुपीज दिया गया है, जबकि शेष विधि से इसको हमको डेबिट में फिलअप करना है। रेंट योग विधि से क्रेडिट साइड में इसको हमको फिलअप करना है, जबकि शेष विधि से क्रेडिट साइड में 900 दिया गया है। जनरल एक्सपेंसेस योग विधि से डेबिट साइड में 839 दिया गया है, जबकि शेष विधि से डेबिट साइड में 839 दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमको तलपट योग विधि और शेष विधि दोनों ही आधार पर बनाना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सावधानी से हम इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले ऐसा ही पूरा का पूरा क्वेश्चन हमको बना लेना है और उस स्थान को जहाँ की क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसको हम पहले बॉक्स कर लेंगे, ताकि हमको ये पता चल सके कि किस किस स्थान पर हमको अमाउंट लिखनी है। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन मार्क वाले जगह थे उसको हम बॉक्स में कर लेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल, जो कि योग विधि और शेष विधि दोनों में बैलेंसेस दे दिए गए हैं और कहीं पे भी फिलअप नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कैश है, जो कि योग विधि से डेबिट साइड में 42,750 और क्रेडिट साइड में 20,210 दिया गया है। अब जब हम शेष विधि अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है कि हम इसका शेष निकाल लेंगे, यानी 42,750 माइनस 20,210, तो डिफरेंस जो आएगा 22,540, वो हम इस बॉक्स में लिख देंगे जो कि डेबिट साइड में हमको लिखना था। नेक्स्ट पॉइंट कैश एट बैंक, जो कि योग विधि से डेबिट साइड में 19,000 दिया गया है और शेष विधि से क्रेडिट साइड में 2,500 दिया गया है। एक बात हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है, तो निश्चित तौर पर योग विधि में क्रेडिट वाला टोटल ज्यादा रहा होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करना है, जिसे कि हमने लेजर में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो इसके आधार पर हम 19,000 में शेष की जो अमाउंट है 2,500 उसको प्लस करेंगे और ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे टोटल 21,500। नेक्स्ट दिया गया है परचेस,
तो परचेस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि योग विधि से क्रेडिट अमाउंट 1700 दी गई है और शेष विधि से जो डेबिट अमाउंट है वो 19300 दी गई है। और हमको फिलअप कहाँ पर करना है, योग विधि के डेबिट साइड में। अब जैसे कि हमने हमने कंसेप्ट देखा कि जो बैलेंस है, शेष है, वो डेबिट में आ रहा है, यानी कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा रहा होगा। तो कितना ज्यादा रहा होगा, 19300 से 1700 ज्यादा, यानी कि ये हो जाएगा 19300 प्लस 1700, यानी 21000 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं सेल। सेल्स जो है वो योग विधि से 349 दिया है और जमा जो है क्रेडिट साइड जो है वो 35549 दिया है। बहुत सिंपल सा है, एक तो हमको बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यानी कि शेष विधि में इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि बॉक्स भी क्रेडिट में दिया है, तो सिंपल हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और क्रेडिट साइड में लिख देंगे शेष विधि के, यानी कि 349 माइनस 35549, यानी 35200 ये क्रेडिट में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। नेक्स्ट, योग विधि से डेबिट साइड में हमको यहाँ पर कुछ फिलअप करना है और शेष विधि से केवल एक पॉइंट दिया गया है डेबिट साइड में 3920, तो कुछ भी जोड़ने घटाने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां पर फिलअप के लिए दिया गया है 3920 की अमाउंट हम वहां पर वापस लिख देंगे। डेटर्स दिया गया है योग विधि से डेबिट बैलेंस 40,000 और क्रेडिट बैलेंस 15,000। सिंपल हम दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि शेष विधि से लिखना है, तो हम माइनस कर देंगे दोनों को और डिफरेंस आएगा इनका 40,000 माइनस 15,000, 25,000, वो हम इस बॉक्स में लिख देंगे। क्रेडिटर्स दिया गया है 1500 और डेबिट में योग विधि से, और योग विधि से क्रेडिट में 19,000, जिसको कि हम आपस में दोनों को माइनस कर लेंगे क्योंकि शेष विधि से हमको अब बनाना है। तो शेष विधि में 19,000 माइनस 1500, 17,500 आ जाएगा। डिस्काउंट 703 योग विधि से डेबिट साइड का है और 205 योग विधि से क्रेडिट साइड का है, माइनस करेंगे हम सिंपल, और डेबिट साइड में जो कि बॉक्स है हमारे पास, वहां हम 498 के अमाउंट लिख देंगे। सैलरी योग विधि से डेबिट साइड में 4003 दी हुई है और कहीं पे किसी प्रकार का कोई बैलेंस है नहीं जिसमें हम प्लस माइनस करें, तो सीधे सीधे से हम इसको डेबिट साइड में, जहां पर हमारे पास बॉक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स वहां पर दिया गया है, 4003 के अमाउंट हम वहां पर लिख देंगे। रेंट दिया गया है शेष विधि से क्रेडिट साइड में 900 और यहाँ पर योग विधि से क्रेडिट साइड में बॉक्स है, सीधे सीधे वहां पर 900 के अमाउंट जो कि शेष विधि से क्रेडिट में दी गई है उसको हम लिख लेंगे। कहीं भी कोई प्लस माइनस करने या सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता है यहाँ पर। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दिए गए हैं जो कि दोनों में फिलअप है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है। अब आइए हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो जब हम योग विधि से टोटल करते हैं तो हमारे डेबिट साइड का टोटल आता है 1,34,064 रुपीज और क्रेडिट का भी टोटल आता है 1,34,064 रुपीज। इसी तरह हम शेष विधि से टोटल कर लें तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल आता है 76,100 और क्रेडिट साइड का भी टोटल आता है 76,100। निम्नलिखित तलपट योग और शेष के द्वारा बनाई गई है, किंतु कुछ राशियां दोनों प्रकार के तलपट में छूट गई हैं। छूटी गई राशियों को लिखिए। दिए गए प्रश्न में जो तलपट दिया गया है उसमें योग विधि और शेष विधि के दो दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के दिए गए हैं और खातों के नाम यानी विवरण का एक कॉलम दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है कैपिटल, योग विधि से क्रेडिट साइड 30,000, शेष विधि से क्रेडिट में 30,000। कैश, योग विधि से डेबिट अमाउंट 35,000, क्रेडिट अमाउंट 28,236 और शेष विधि से यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं दी गई है। बैंक, योग विधि से डेबिट साइड में 20,000 और शेष विधि से क्रेडिट साइड में 2,000 दिया गया है, बाकी सारे ब्लैंक्स हैं। परचेस, योग विधि से क्रेडिट साइड में 1700 दिया गया है जबकि शेष विधि से डेबिट साइड में 17,800 दिया गया है। सेल्स, योग विधि से डेबिट साइड में 356 दिया गया है और क्रेडिट साइड में 30,556 दिया गया है,
जबकि शेष विधि में कुछ भी नहीं दिया गया है। हमको सोचना है कि ये जो ब्लैंक्स यहाँ पर है शेष विधि में, उसमें हमको कहाँ पर अमाउंट लिखनी है, डेबिट में लिखनी है कि क्रेडिट में, और कौन सी अमाउंट लिखनी है। स्टॉक दिया गया है योग विधि में कुछ भी नहीं, और शेष विधि में डेबिट साइड में 6,870। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्योंकि दोनों एक साथ दे दिए गए हैं, तो योग विधि में डेबिट साइड में 24,930 एंड क्रेडिट साइड में 5,000, और बिल्कुल इसी तरह शेष विधि में भी 34,930 डेबिट साइड में और 5,000 क्रेडिट साइड में दिया गया है। कमीशन दिया गया है योग विधि से क्रेडिट साइड में 540 और शेष विधि में क्रेडिट साइड में 540। डिस्काउंट दिया गया है योग विधि में 376 डेबिट साइड में और 50 रुपीज क्रेडिट साइड में, और शेष विधि में कोई भी अमाउंट नहीं दी गई है। सैलरी एंड वेजेस योग विधि में कोई बैलेंस नहीं दिया गया है, जबकि शेष विधि में डेबिट साइड में 1,000 दिया गया है। रेंट 10,050 रुपीज दिया गया है, जबकि शेष विधि में कोई बैलेंस नहीं दिया गया है। तो जब हम इस तरह का प्रश्न बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा प्रश्न उतार लेंगे, अपना उत्तर बनाने के लिए, हल करने के लिए पूरे के पूरे प्रश्न को एज इट इज हम उतार लेंगे। और नोट करते समय एक बात का हमको ध्यान रखना है कि डिफरेंसेस की जो अमाउंट है वो किस साइड आएगी, इसको हमको बॉक्स में करते जाना है, ताकि हमको ये पता चल सके कि एक्चुअली हमारा आंसर क्या था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, कैपिटल दिया गया है जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है वो योग विधि में भी 30,000 दिया गया है और शेष विधि में भी 30,000 दिया गया है। कैश बैलेंस दिया गया है योग विधि में 35,000 और शेष विधि में 28,236। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, शेष विधि में हम शेष निकाल लेंगे इस योग का, तो हम 35,000 माइनस 28,236 को माइनस कर देंगे, तो हमको आंसर आएगा यहाँ पर 6,764। अब हमको ये सोचना है कि इसको हम डेबिट में लिखें कि क्रेडिट में, क्योंकि दोनों ही साइड ब्लैंक दिया गया है। तो सिंपल सा है सिद्धांत हमारा, हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की कि जिधर ज्यादा है वो बैलेंस होगा, जैसे कि हम लेजर बनाते हैं तो कम ज्यादा हम माइनस करते हैं और जो बैलेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि डेबिट ज्यादा है, यानी डेबिट में 35,000 है, डेबिट ज्यादा है, तो ये जो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा 6,764 को हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इसको हम बॉक्स में कर देंगे, ताकि हमको ये पता चल सके कि ये हमारा आंसर था। बैंक दिया गया है योग कॉलम के डेबिट में, योग विधि के डेबिट कॉलम में 20,000 और शेष विधि के क्रेडिट साइड में 2,000। अब क्योंकि ये योग वाला मेथड है, तो यहाँ पर टोटल हमको करना है, और यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि हम डेबिट में लिखें या क्रेडिट में। हालांकि नियम के अनुसार क्रेडिट में आना चाहिए ज्यादा अमाउंट, क्योंकि जो हमारा बैलेंस आया है, शेष जो आया है, वो क्रेडिट साइड में आया है। ओवरऑल चाहे हम कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो करें या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि ब्लैंक जो हमको जगह दी गई है वो क्रेडिट में दी गई है, तो दोनों ही कंडीशन में हमको 20,000 को 2,000 से प्लस कर लेना है और 22,000 के अमाउंट हमको योग विधि के क्रेडिट कॉलम में लिख देना है। परचेस दिया गया है योग विधि के क्रेडिट कॉलम का 1,700 और शेष विधि के डेबिट कॉलम का 17,800। इसका मतलब है कि शेष जो है वो डेबिट साइड में आया है, यानी कि योग विधि का जो डेबिट साइड है वो ज्यादा रहा होगा। तो कितना ज्यादा रहा होगा, 17,800 प्लस 1,700 यानी कि 19,500 था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेल 356 डेबिट और 30,556 क्रेडिट योग विधि से। सिंपली हम इसको माइनस कर लेंगे और डिफरेंस जो आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, तो शेष विधि की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे दोनों का डिफरेंस, यानी कि 30,200। स्टॉक दिया गया है योग विधि से कहीं पर भी नहीं है और शेष विधि से डेबिट साइड में है 6,870। तो सिंपल सा हम इसको डेबिट साइड में ही 6,870 रुपीज लिख देंगे। डेटर्स एंड क्रेडिटर पूरा का पूरा लिख कर दे दिया गया है, यहाँ हमको कुछ भी नहीं लिखना है। कमीशन में भी हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट जो है वो योग विधि से डेबिट साइड में 376 दिया गया है और क्रेडिट साइड में 50, यानी कि दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि 326 आएगा,
और क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो शेष विधि के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 326। सैलरी एंड वेजेस जो कि सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि शेष विधि में 1000 है डेबिट में, तो हम उसी 1000 को सेम टू सेम योग विधि के डेबिट में 1000 लिख देंगे। रेंट दिया गया है योग विधि के डेबिट में 10050, तो पूरा का पूरा रेंट के जो अमाउंट है वो हम शेष विधि के डेबिट में 10050 लिख देंगे। अब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो योग विधि का डेबिट साइड है उसका टोटल आता है 1,18,082 रुपीज, और सेम वैसा ही योग विधि का क्रेडिट साइड का भी टोटल आता है 1,18,082 रुपीज। शेष विधि से हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल आता है 67,740 रुपीज, और सेम वैसा ही क्रेडिट साइड का भी टोटल आता है 67,740 रुपीज। निम्न सौदों को रामनिवास की पंजी तथा प्रपंजी बही में दर्ज कीजिए एवं तलपट तैयार कीजिए। 2006 जनवरी 1 कैश सेल 2,700, जनवरी 2 बॉट फ्रॉम शर्मा ब्रदर्स 5,000, जनवरी 3 सोल्ड टू श्याम 3,000, जनवरी 4 कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 2,950, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 50 रुपीज, जनवरी 5 बॉट फ्रॉम कुमार ब्रदर्स 2,000, जनवरी 7 पेड टू शर्मा ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट 4,900, जनवरी 10 पेड टू कुमार ब्रदर्स 1,980 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 20 रुपीज, जनवरी 15 बॉट गुड्स फॉर कैश 3,000, जनवरी 18 सोल गुड्स फॉर कैश 8,500, जनवरी 19 बॉट गुड्स फ्रॉम रामकृष्ण 1,500, जनवरी 20 सोल गुड्स टू शिवम 1,200, जनवरी 25 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 400, जनवरी 28 पेड चैरिटी 50 रुपीज, जनवरी 29 पेड सैलरी 300, जनवरी 30 कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 200। क्योंकि इस प्रश्न में पहले हमको जनरल एंट्री करनी है, फिर इसके आधार पर लेजर बनाना है, और फिर लेजर के आधार पर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री क्योंकि कैश सेल की होगी, नगद माल हमने बेचा है, कैश हमारे पास आएगा और गुड्स जाएगा, तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 2,700। दूसरा हमने कैश परचेस किया है, कैश गुड्स परचेस किया है कैश, तो यहाँ पर क्योंकि हम गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा, यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड, जबकि हम श्याम को माल बेचेंगे सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट टू सेल्स। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं कि श्याम को हमने कैश दिया है और डिस्काउंट भी मिला है उससे हमको, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। 2,950 जो है वो कैश की अमाउंट हो जाएगी और 50 रुपीज जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी, टोटल क्रेडिट में आएगा 3,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर परचेस किया हमने कुमार ब्रदर्स से, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कुमार ब्रदर्स 2,000। 7 जनवरी को शर्मा ब्रदर्स को चुकाई गई है राशि विद डिस्काउंट, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी शर्मा ब्रदर्स डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और शर्मा ब्रदर्स में आएगा 5,000, कैश हमने पे किया है 4,900 और डिस्काउंट है 100। यहाँ पर जबकि दिया गया है कुमार ब्रदर्स को चुकाया है और उनसे बट्टा भी मिला है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी कुमार ब्रदर्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, जिसमें कि कुमार ब्रदर्स के अकाउंट में डेबिट होगा 2,000 रुपीज और कैश क्रेडिट होगा 1,980 से एंड डिस्काउंट क्रेडिट होगा 20 रुपीज से। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है नगद माल खरीदा, यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और इसकी अमाउंट है 3,000 रुपीज। 18 जनवरी की एंट्री हो जाएगी नगद माल बेचा के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और इसकी अमाउंट है यहाँ पर दी गई है 8,500। 19 जनवरी को रामकृष्ण से क्योंकि उधार माल खरीदा है, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू रामकृष्ण
और इसकी अमाउंट हो जाएगी 1500 रुपीज। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है 20 जनवरी की, जिसमें शिवराम को उधार माल बेचा गया है। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी शिवराम डेबिट टू सेल्स और इसकी अमाउंट दी गई है 1200। 25 जनवरी को क्योंकि कार्यालय व्यय का भुगतान किया गया है तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 400 की। 28 जनवरी को दान दिया गया है, चैरिटी की अमाउंट है यहाँ पर दी गई है तो हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे चैरिटी डेबिट टू कैश और 50 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। 29 जनवरी को दिया गया है सैलरी का भुगतान किया, सैलरी पेड तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपीज। 30 जनवरी को दिया गया है आहरण किया गया तो यहाँ पर क्योंकि कैश निकाली गई है तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश और 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और इस तरह से हमारे जनरल का टोटल हो जाएगा 37,850। अब हम इस जनरल के आधार पर लेजर तैयार कर लेंगे तो जब हम लेजर बनाएंगे तो हम बहुत सारे अकाउंट जितने भी इस जनरल एंट्री में प्रभावित हुए हैं उन सब के लिए हम एक लेजर बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे कैश अकाउंट। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैश में ट्रांसफर करते जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं सबसे पहले 1 जनवरी को फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आया है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स और 2700 लिखेंगे। उसके बाद है 4 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू श्याम 2950। और उसके बाद 7 जनवरी की हमारी जनरल एंट्री कैश से रिलेटेड है जो है शर्मा ब्रदर्स डेबिट टू कैश, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय शर्मा ब्रदर्स 4900। 7th के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं 10 जनवरी को हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पर कुमार ब्रदर्स डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कुमार ब्रदर्स 1980। 10th जनवरी के बाद 15 जनवरी को कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 3000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी को सेल हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन है ये, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 8500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि 18 जनवरी के बाद 25 जनवरी को कैश ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं और यहाँ जनरल एंट्री हुई है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 हम इसकी एंट्री करेंगे। 25 जनवरी के बाद 28 जनवरी को कैश ट्रांजैक्शन है जिसमें जनरल एंट्री हुई है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसलिए हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई चैरिटी अकाउंट और 50 रुपीज से इसकी एंट्री करेंगे। फिर 28 जनवरी को सैलरी पे की गई है जिसके लिए जनरल एंट्री हुई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट और 300 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 30 जनवरी को विड्रॉल किया गया है तो इसके लिए हमने जनरल एंट्री की है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट 200। और अब हम कैश अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट का जो डेबिट टोटल है वो है 14,150, तो इसमें से हम क्रेडिट टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 3,320 रुपीज और यहाँ से हम कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम बना लेंगे सेल्स अकाउंट, तो हम देखते हैं कि सेल्स ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ हमको दिख रहा है सबसे पहले 1 जनवरी को जबकि कैश सेल हुई थी और यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2700। उसके बाद 4 जनवरी को है सेल्स से संबंधित ट्रांजैक्शन, तो इसकी जनरल एंट्री हुई है श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय श्याम और 3000 से इसकी एंट्री करेंगे। 4 जनवरी के बाद 18 जनवरी को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट 8500। और 18 जनवरी के बाद 20 जनवरी को एंट्री हुई है शिवराम डेबिट टू सेल्स, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू शिवराम
और 1200 सेल्स की एंट्री करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल जो है, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ही रहता है, जब भी हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो गुड्स हमारे पास जाता है, तो सारी की सारी जो पोस्टिंग होती है वो क्रेडिट में ही रहती है, और इसका जो टोटल होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में, उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेडिट का जो टोटल है वो 15,400 है, जिसको कि हम ट्रेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एंडेड 31 जनवरी, और 15,400 से हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम परचेस अकाउंट बनाएंगे। तो हम परचेस अकाउंट में देख रहे हैं कि कौन कौन से डेट को हमारा परचेस ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 2 जनवरी को परचेस अकाउंट डेबिट टू शर्मा ब्रदर्स, जिसको हम परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू शर्मा ब्रदर्स 5,000। 5 जनवरी को दिखाई दे रहा है कुमार ब्रदर्स से माल खरीदा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कुमार ब्रदर्स, इसको हम 2,000 लिख देंगे डेबिट साइड में। 15 जनवरी को दिखाई दे रहा है कैश परचेस किया गया है, तो इसकी जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको हम डेबिट में लिख देंगे परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 3,000 से। और फिर 19 जनवरी को एक परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू रामकृष्ण, तो परचेस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू रामकृष्ण और 1500 से इसकी एंट्री करेंगे, और फिर हम यहाँ पर परचेस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और इसका जो बैलेंस है उसको हम ट्रेड अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 11,500। इसी तरह से जितने भी खाते प्रभावित हुए हैं उन सब के लिए हम छोटा छोटा एक लेजर बना लेंगे। जैसे कि शर्मा ब्रदर्स का खाता प्रभावित हुआ था, तो शर्मा ब्रदर्स से क्योंकि हमने माल यहाँ पर खरीदा था, तो हमने जनरल एंट्री की थी 2 जनवरी को परचेस अकाउंट डेबिट टू शर्मा ब्रदर्स, तो इसकी हम एंट्री कर लेंगे शर्मा ब्रदर्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट 5,000। और फिर हमने उनको पे किया था 7 जनवरी को, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हुई थी शर्मा ब्रदर्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो यहाँ हम शर्मा ब्रदर्स के लेजर में 7 जनवरी को टू कैश लिखेंगे 4,900 और टू डिस्काउंट 100 और टोटल 5,000 से इसको क्लोज कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह श्याम का खाता प्रभावित हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्याम को हमने माल बेचा था, यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई थी श्याम डेबिट टू सेल्स 3 जनवरी को, तो श्याम के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स 3,000 और उससे हमको कैश रिसीव हुई थी, तो हमने 4 जनवरी को जनरल एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो श्याम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 2,950 एंड 50 और 3,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से सारे जनरल एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से हमने लेजर के बाद जनरल पोस्टिंग की थी, वैसे ही हम जनरल पोस्टिंग करते हुए बहुत सारे खाते बनाएंगे। जैसे हम बना लेंगे रामकृष्ण का खाता, उसके बाद हम बनाएंगे शिवराम का खाता, कुमार ब्रदर्स का खाता, कार्यालय खर्च का खाता, वेतन खाता, धर्मादा खाता, और यहाँ हम देख रहे हैं आहरण खाता और फिर बट्टा खाता। तो इस तरह से सभी छोटे छोटे खाते हम बनाते जाएंगे और इनके शेष को हम निकालते जाएंगे, और इनका जो शेष आता है उसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस में लिख लेंगे। जैसे कि हम अपनी खाता बही में देख रहे हैं कि सबसे पहले जब हमने कैश अकाउंट बनाया था तो कैश अकाउंट का डेबिट टोटल आया था 14,150 और क्रेडिट टोटल आया था 10,830, और उसके बाद फिर सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो आया था 15,400, परचेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो आया था 11,500, शर्मा ब्रदर्स के अकाउंट का जो टोटल है दोनों साइड का वो इक्वल आया था 5,000, श्याम का जो टोटल है वो भी इक्वल आया था 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट, रामकृष्ण का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आया था 1,500 से, शिवराम का अकाउंट जब हमने बनाया तो डेबिट बैलेंस आया 1200 से, कुमार ब्रदर्स का जब हमने अकाउंट बनाया तो वो टोटल हुआ 2000 से, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए जब हमने अकाउंट बनाया तो वो डेबिट बैलेंस शो किया 400 से, सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करता है 300 से, चैरिटी अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करता है 50 रुपीज से, ड्रॉइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करता है 200 से, और डिस्काउंट अकाउंट का डेबिट टोटल है 50 और क्रेडिट टोटल है 120। अब इसके बेस पे हम तलपट बना लेंगे शेष विधि से। तो जब हम शेष विधि से तलपट बनाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं कैश,
कैश हम 14,150 और 10,830 माइनस करेंगे, तो डेबिट क्योंकि बैलेंस होता है हमेशा कैश अकाउंट का, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3,320। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने देखा था, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से जाती है, तो 15,400 आ जाएगा क्रेडिट में। परचेस आ जाएगा 11,500 डेबिट में। शर्मा ब्रदर्स का क्योंकि बैलेंस कुछ भी नहीं है, दोनों साइड 5,000 आ रहा है, तो बैलेंस नील हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही श्याम ब्रदर्स का भी बैलेंस नील हो जाता है, दोनों साइड इक्वल अमाउंट आ रही है। रामकृष्ण का जो बैलेंस है क्रेडिट वो दिखा रहा है 1500, तो 1500 से उसकी एंट्री कर लेंगे। शिवराम का जो बैलेंस है वो 1200 डेबिट में दिखा रहा है, तो हम 1200 से उसकी एंट्री कर लेंगे। कुमार ब्रदर्स का जो अकाउंट है वो भी दोनों साइड का टोटल बराबर है, तो वो भी नील हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑफिस एक्सपेंस, ये डेबिट में आएगा क्योंकि एक्सपेंस है 400 का बैलेंस बता रहा है। सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस बता रहा है 300 से। चैरिटी डेबिट बैलेंस है 50 रुपीज। ड्रॉविंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 200। और डिस्काउंट, अब डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो 70 रुपीज का जो है वो बैलेंस हमारा वो आ जाएगा, और डिस्काउंट यहाँ पर हम 70 रुपीज से इसकी एंट्री क्रेडिट में कर देंगे। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और यहाँ पर हम क्रेडिट में इसकी एंट्री करेंगे। और जब हम इसको टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल हमारा दोनों साइड का आ रहा है 16,970। 31 दिसंबर 2008 को नीचे दिए गए खातों से परीक्षा सूची तैयार कीजिए। कैपिटल अकाउंट 50,000, ड्रॉइंग 1,000, कैश अकाउंट 26,000, गुड्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 16,000, बिल्डिंग 35,000, फर्नीचर 2,500, डेटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 40,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,200, रेलवे फ्रेट अकाउंट 1,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, रेंट एंड टैक्सेस 1,200, सैलरी 5,800। दिए गए विवरण के आधार पर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है।